हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिया ने साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते। सो पंजाब हिस्ट्री जीके अगला भाग अगले नवे एम सी क्यू क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। सो स्टार्ट करने तो पहले जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल नू सबसक्राइब ते बैल आइकॉन आल ते प्रेस जरूर कर लियो ताहे तुहानू हर एक अपडेट समय सिर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी अगले नवे एम सी क्यू प्रश्न उत्तर। तो गुरु रामदास जी नाल संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब च तो ये तुहानू अज शेयर करांगे। सो इहदे दो भाग बनणगे। सिख पंथ के चौथे गुरु कौन होए सन? तो ये होए सन जी ऑप्शन सस्सा गुरु रामदास जी, जो सिख पंथ के चौथे गुरु सी। गुरु रामदास जी का जन्म किहड़े स्थान पर होया सी? तो ये होया सी ऑप्शन ईडी चूना मंडी लाहौर विखे। श्री गुरु रामदास जी का जन्म इस स्थान पर होया सी जो सिखां दे चौथे गुरु होए सी। अगला प्रश्न है गुरु रामदास जी के पिता का की नाम सी? तो उन्होंने पिता का नाम श्री हरिदास सी, ऑप्शन ऊड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगे गुरु रामदास जी के माता का की नाम सी? तो उन्हां दी माता जी का नाम माता दया कौर सी, ऑप्शन ऊड़ा साडा राइट आंसर आएगा। सो पिता का नाम श्री हरिदास सी, माता का नाम माता दया कौर सी। सो माता पिता ते जीवनी ते एक क्वेश्चन है तुहानू पूछे जा सकते ने। अगे गुरु रामदास जी दे बचपन का नाम की सी? तो उन्हां दे बचपन का नाम सी भाई जेठा, ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। जेठा शब्द तो की भाव है या जेठा शब्द का अर्थ की सीगा? सोहना वड्डा छोटा या फिर बहादुर? तो जेठा शब्द तो भाव सी वड्डा, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है मसंद प्रथा की स्थापना किसने की थी? तो ये की जी गुरु रामदास जी ने, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगे मसंद प्रथा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य की सीगा? की लोड़ पई सी मसंद प्रथा की स्थापना करने? तो यदा राइट आंसर आएगा ऑप्शन आड़ा, सरोवर ते पंगत ली धन की लोड़ सी, इस करके मसंद प्रथा की स्थापना करनी पी, यो उद्देश मुख, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगे मसंद शब्द का शाब्दिक अर्थ की है? चार पाई तो इत्थे देग है, ददेलावा गग्गा देग, चार पाई देग उच्चा स्थान या फिर तेग। तो मसंद शब्द का जिहड़ा शाब्दिक अर्थ है वह है उच्चा स्थान, ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। मसंद प्रथा का विकास सब तो ज़्यादा किहड़े गुरु के गुरु काल दे विच होया सी? तो यह होया सीगा जी गुरु अर्जन देव जी दे गुरु काल समय मसंद प्रथा का विकास सी जिहड़ा सब तो ज़्यादा होया सी, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगे मसंद प्रथा का अंत किहड़े गुरु ने किया सी? तो यह किया सीगा जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ऑप्शन सस्सा साडा राइट आंसर आएगा। सो मसंद प्रथा का अंत सी जिहड़ा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो सिखां दे दसवें गुरु सी, सो इन्हां ने किया सी। अगला प्रश्न है मसंद प्रथा विच दोष किहड़े गुरु दे गुरु काल विच पैदा होए सी? तो यह होए सीगे जी गुरु अर्जन देव जी दे समय, ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा।
ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਧਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਡੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1574 ਤੋਂ 1581 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸੰਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੰਗਤੀਆ ਜੋ ਮਸੰਦਦਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਕਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਲਾਵਾਂ ਨਾਮਕ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਗਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ
बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन तुहानू पुट किया गया है, तो इहदा आंसर आएगा जी गुरु रामदास जी ने। अमृतसर की भी पूछा जा सकता है, रामदासपुरा की भी पूछा जा सकता है, तो इन्हां दी नगरां दी अते सरोवरां दी स्थापना सी जिहड़ी गुरु रामदास जी ने की सी। ब्याह समय लावां दी प्रथा किस गुरु साहिब ने शुरू की सी, तां इह वी की सी जी गुरु रामदास जी ने। सो क्वेश्चन थोड़े मोटे चेंज होके पूछे जा सकते हैं। संतोखसर नामक सरोवर की स्थापना किहड़े नगर दे विच कीती गई सी, तां इह कीती गई सी जी अमृतसर नगर दे विच। जो संतोखसर नामक सरोवर है तो इहदी स्थापना सी जिहड़ी अमृतसर नगर दे विच कीती गई सी। अगला प्रश्न है घोड़ियां की हन, गीत ने, सलोक ने, गज़ल ने या कविता। तो घोड़ियां गीत ने, ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमृतसर का पुराना नाम की सी, तो यह सहेगा जी रामदासपुरा, ऑप्शन सस्सा अमृतसर का पुराना नाम है। या फिर रामदासपुरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रामदासपुरा किहड़े नगर का नाम है, तो ऑप्शन दे विच आ जाएगा अमृतसर। अगला प्रश्न है घोड़ियां नामक गीत की रचना किहड़े गुरु साहिब ने की सी, तो यह की सी जी गुरु रामदास जी ने, ऑप्शन सस्सा साडा राइट आंसर आएगा। घोड़ियां नामक गीत कदों गाए जाते हैं, तो यह गाए जाते हैं जी मुंडे दे विआह ते, ऑप्शन ईडी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है अमृतसर नामक नगर वसाउण लई किस व्यक्ति ने जमीन गुरु रामदास जी नूं दान दे विच दित्ती सी, तां ओह सीगे जी अकबर। तो उस समय ये अकबर शासक सी, अकबर राजा सी जिहड़ा गुरु रामदास जी दे समकाली सी, अते इन्हां ने अमृतसर जिहड़ा नगर वसिया होया है तो यह जमीन है जिहड़ी अकबर ने इन्हां नूं दित्ती सी। अगला प्रश्न है रामदासपुरा नामक नगर की स्थापना कदों की गई सी, किहड़े ईयर दे विच की गई सी, तो यह की गई सी जी 1577 ईस्वी दे विच, ऑप्शन सस्सा साडा राइट आंसर आएगा। सिख धर्म के विकास में गुरु रामदास जी का सब तो महत्वपूर्ण काम की सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह सी जी रामदासपुरा की स्थापना, यानी कि अमृतसर की स्थापना। सिखा नूं एक धार्मिक स्थान से जिहड़ा दिता गया सी, अते जमीन से जिहड़ी अकबर राजे दे द्वारा दान की गई सी। सो दोस्तों अगले भाग के अगले मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ प्रश्न उत्तर ने। सो इस संबंधित गुरु रामदास जी संबंधित जिहड़े बाकी रहिंदे क्वेश्चन ने वो अगले भाग के प्रोवाइड कर देंगे। सो पंजाब पुलिस के एग्जाम तो पहला पहला सिख गुरु साहिबाना की हिस्ट्री है जी असी प्रोवाइड कर देवे, इस अलावा अदर टॉपिक भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो चंगी लगे लाइक कमेंट तो अगे शेयर जरूर कर दिया करो, बाकी टैलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, तुहानू ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलते रहन। टैलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिहड़ा तुहानू वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। धन्यवाद जी।